पूरे देश में आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिनमें जो अधिकारी हैं चाहे जनप्रतिनिधि हैं वह शामिल होकर लोगों को योग के फायदे बता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के 66वीं वाहिनी कैंप कार्यालय दो महाना घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर SSB के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा योग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, नौतनवा ब्लॉक प्रमुख राकेश मध्यसिया एवं नौतनवा चेयरमैन ब्रिजेश मणि त्रिपाठी सहित तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो शामिल हुए हैं और यहाँ पर लोगों को योग दिवस के बारे में, उसके जो फायदे हैं उसके बारे में बताया गया। आपको बता दें कि 21 जून को पूरे विश्व में खासकर जो योग दिवस है उसकी शुरुआत भारत से हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको मान्यता दिया है। तो पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर तमाम जो कार्यक्रम हैं लोगों को जागरूक करने के लिए उसका आयोजन किया गया था। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर SSB के साथियों ने बताया था कि यहाँ पे भी योग होगा, तो मैं यहाँ पे आया था और हमने अपने साथियों के साथ आज इस SSB कैंप में हमारे सेना के जवान थे उनके साथ योग किया है हमने। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योग के प्रति सबको जागरूक करने का कार्य किया है, उसी के क्रम में आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में प्रत्येक घरों में स्थानों पे आज योग का कार्यक्रम हो रहा है, उसी में हम लोग भी आज योग यहाँ पे किए हैं। एक दिवस के अवसर पर जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमने अभी योग किया है और निश्चित तौर पे हमने ये अनुरोध किया कि इस योग को हम सिर्फ योग दिवस के अवसर पे नहीं बल्कि अपने दिनचर्या में शामिल करें जिससे कि हमें इसका लाभ मिल सके। आज 9वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे सभी सीमा चौकियों और वाहिनी मुख्यालय में योग का कार्यक्रम रखा गया था। 1 घंटे का कार्यक्रम था और हम लगातार पिछले 15 दिनों से हर एक सीमा चौकी के कार्य क्षेत्र में योग का अभ्यास कर रहे हैं और स्थानीय जनता को भी शामिल कर रहे हैं और इसके महत्व को बता रहे हैं ये कि इसे हम अपने डेली के दिनचर्या में शामिल करें ताकि हम अपने आप को पूरी तरह से तंदुरुस्त रख सकें। क्षेत्र के ऊपर जितना आप उठा सकते हैं उठाने का प्रयास करें, अत्यधिक प्रयास नहीं करना है, जिनका शरीर जितना इजाजत देता है उतना ही अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे आ जाएं, 1 से 2 बार इस अभ्यास को दोहराएं। धीरे से इस अभ्यास को यहीं पे विराम दें, अगला अभ्यास शलभ आसन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों पैरों को सटाएं, ठुड्डी को जमीन से चिपका दें।